हेलो भाई, मैं वंगित बजाज वालों के साथ। यार ऐसा क्यों होता है? ये लोग लॉन्च तो करते हैं बहुत ही तगड़ी तगड़ी गाड़ी, लेकिन एक दो महीने बिकती है फिर यार फुस होने लगता है। मतलब तो क्या चल रहा है भाई मार्केट में, समझ ही नहीं आ रहा। खैर हम ये सब क्या बोल रहे हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन भाई फाइनली 350 cc से लेके 450 cc सेगमेंट की 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। पिछले महीने से भी कंपेयर कर लेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे और उनमें कितना पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्व रेट, क्लॉच और टॉप स्पीड मिलता है ये सब भी जानेंगे। तो आप फटाफट शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो 10वें नंबर पे आई है होंडा की हाइनेस 350, या फिर हाइनेस सीबी 350 भी कह सकते हो, सीबी 350 आरएस भी कह सकते हो। दोनों कंबाइन 1653 यूनिट बिकी अगस्त में, 1653 यूनिट बिकी है, जबकि जुलाई में बिकी थी 1314 यूनिट। मतलब 339 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है हाइनेस सीबी 350 की या फिर सीबी 350 आरएस की। अगर आप सीबी 350 लेते हो तो भाई 242,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। बाकी हाँ, अगर आप पावर अग्रे की बात करते हो तो आपको 20.78 bhp का पावर मिलता है, 30 nm का टॉर्क मिलता है, 35 kmpl का माइलेज, 181 किलो कर वेट, 10 करोड़ ऑप्शन, बाकी 125 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। देखो नो डाउट होंडा वालों ने गाड़ी बहुत ही अच्छा बना रखा है, लेकिन भाई लोग बाग यार मतलब नहीं खरीदते भाई रॉयल इनफील्ड को छोड़ के। खैर 9वें नंबर पे जावा और HD, यहां पे इनकी गाड़ियों का बात नहीं करेंगे, टोटल सेल का बात करेंगे। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर 2058 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में, जबकि जुलाई में इन्होंने बेचा था 2131 गाड़ियों को। मतलब भाई 73 गाड़ियां कम बिकी है इनकी पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने 73 गाड़ियां। ये आपको भाई बहुत सारी गाड़ियां ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप इनका जावा 42 बॉबर लेते हो तो आपको 247,000 रुपए के लपेट में मिल जाता है। उसमें पावर मिलता है 29.51 bhp का, टॉर्क मिलता है 32.74 nm का, 30 kmpl का माइलेज, 7 करोड़ ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। जावा 42 बॉबर भाई नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है, जब रोड पे इसको लेके निकलोगे ना लोग बाग मुड़ मुड़ के देखते हैं, बहुत ही क्लासी लगती है भाई। खैर हमारे यहाँ तो नहीं बिकती भाई, हमारे यहाँ तो शोरूम है ही नहीं। खैर 8वें नंबर पे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450, इसकी भाई 2099 यूनिट बिकी अगस्त में, वाह भाई वाह, जबकि जुलाई में 2769 यूनिट बिकी थी। मतलब 670 गाड़ियाँ कम बिकी है हिमालयन की। ये आपको 333 मतलब 3,33,082 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको 39.47 bhp का पावर, 40 nm का टॉर्क, 30 kmpl का माइलेज, 196 किलो कर वेट, 5 करोड़ ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। ये भाई नो डाउट बहुत ही कैपेबल गाड़ी है, बहुत ही कैपेबल गाड़ी। इवन रिफाइंड इंजन भी अब इसमें दे दिया है इन्होंने, रॉयल एनफील्ड वालों ने कह सकते हो। तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं भाई, पहले से तो अच्छा खासा ही पसंद कर रहे हैं हिमालयन को। बाकी 7वें नंबर पे रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450, ये भाई हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। इसकी भाई 2205 यूनिट बिकी है, 2205 यूनिट बिकी है, जबकि जुलाई में 1469 यूनिट बिकी थी। मतलब 436 गाड़ियां ज्यादा बिकी है आपकी गोरिल्ला 450 की, 436 गाड़ियां। ये तो भाई धूम मचाने वाली है लगता है। ये आपको 282,817 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 39.47 bhp का, 40 nm का टॉर्क, 30 kmpl का माइलेज, 185 किलो कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी टॉप स्पीड आपको कितना मिलता है 130-135 का मिल जाता है, 40 भी चला जाता है भाई। मैंने सुना है लोग 50 तक भी भगा देते हैं। अब देखते हैं भाई, कभी वीडियो वगैरह देखूंगा अगर रिकमेंड हो जाएगा तो, क्योंकि भाई सर्च करने का याद ही नहीं पड़ता। खैर 6ठे नंबर पे भाई बजाज की वही गाड़ी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जिक्र करा था, मैं बात कर रहा हूँ भाई NS400G का। ये भाई गाड़ी इतने अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च हुई है, फिर भी भाई पहले महीने दूसरे महीने अच्छा बिकी, लेकिन भाई तीसरे महीने हालत ख़राब हो गई इसका। तीसरा महीने नहीं, दूसरा महीना है शायद से इसका। अगस्त में इसकी 2516 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि जुलाई में बिकी थी 3340 यूनिट। मतलब देख लो 824 गाड़ियों का गिरावट हो गया भाई, 824 गाड़ियों का, और अगले महीने देखना और भी गिरावट हो जाएगा। ये 400 cc की बाइक है, इतना पावरफुल इंजन है, इतना पावरफुल इंजन है, फिर भी आपको 222,000 यानी 223,000 रुपये के लपेट में मिल जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 39.4 bhp का, मतलब ऑलमोस्ट 40 bhp का पावर मिलता है, 35 nm का टॉर्क है, आपको 34-35 का माइलेज मिल जाता है, 174 किलो इसका वजन है, 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, बाकी 154 प्लस आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है, कंपनी क्लेम करती है। गाड़ी बीस्ट है भाई, बीस्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग बाग इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे। हालांकि बिक रही है भाई 2516 यूनिट बिके, खराब नहीं है, लेकिन कम से कम 5000 यूनिट तो इसको बिकना चाहिए, डिजर्व करती है बेचारी। खैर अब आते हैं टॉप 5 में, 5वें नंबर पे है ट्राइम्फ की स्पीड 400 या फिर स्क्रैम्बलर 400 कह सकते हो। दोनों कंबाइन 3328 यूनिट बिकी अगस्त में, जुलाई में 3101 यूनिट बिके थे। मतलब 227 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी रहा बात प्राइजिंग का, तो स्पीड 400 आपको 278,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है आज के रेट में ऑन रोड है। पावर मिलता है उसमें 39.5 bhp का, टॉर्क मिलता है आपको 37.5 nm का,
माइलेज आपको 30-35 का मिल जाता होगा, 176 किलो का वजन, 4 कलर ऑप्शन, बाकी टॉप स्पीड के बारे में मेरे को आइडिया नहीं, आपको आइडिया होगा तो मुझे कमेंट में बता के जाना। बाकी चौथे नंबर पे रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350, ये इतनी कंफर्टेबल बाइक है, इतनी कंफर्टेबल बाइक है पूछो मत। इसकी भाई 6,750 यूनिट बिकी अगस्त में, जुलाई में बिकी थी 7,901 यूनिट, मतलब 1,116 गाड़ी है कम बिकी आपकी मीटियोर 350 की, 1,116 गाड़ी कुछ होता है भाई। ये आपको 2.38 के लपेट में मिल जाती है ऑन रोड, 2.38-2.37 तक आ जाती है। इसमें आपको 20.2 BHP का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 33 MPL का माइलेज, 191 किलो कर वेट, 12 कलर ऑप्शन, बाकी 112 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। देखो जिनको रान सान से चलना रहता है ना भाई, एकदम कंफर्टेबल, वही मीटियोर को लेते हैं। खैर तीसरे नंबर पे बुलेट 350, नई वाले बुलेट का रिस्पांस ठीक ठाक है अगस्त में, 8,660 यानी 8,660 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि जुलाई में 9,949 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,289 गाड़ियाँ कम बिकी आपकी बुलेट 350 की, 1,289 गाड़ियाँ। ये आपको 201,357 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, 20.2 BHP का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 35 MPL का माइलेज, 195 किलो कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 110 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। बाकी दूसरे नंबर पे हम सबकी प्यारी हंटर 350, ये भी रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट है। इसकी भाई 13,481 यूनिट बिकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 14,091 यूनिट बिकी थी, मतलब 610 गाड़ियाँ कम बिकी आपकी हंटर 350 की, 610 गाड़ियाँ। ये आपको 1,75,355 रुपये के लपेट में मिल जाती ऑन रोड। इसमें आपको पावर मिलता है 20.2 BHP का, 27 Nm का टॉर्क है, 36 MPL का माइलेज, 177 किलो कर वेट, 8 कलर ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। ये देखो बाइक नो डाउट अच्छी है भाई, लेकिन छोटे हाइट वालों के लिए बढ़िया है। अब हम जैसे लंबे लोगों के लिए भाई ये गाड़ी सफिशियंट नहीं है यार, मजा नहीं आएगा चलाने में। खैर नंबर वन पे है भाई रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। इसकी भाई 28,450 यूनिट बिकी अगस्त में, जुलाई में बिकी थी 21,373 यूनिट, मतलब 7,077 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट हुआ है क्लासिक के सेल्स में। वाह भाई वाह, ये लेजेंडरी गाड़ी है यार रॉयल एनफील्ड का, मार्केट कैसा भी रहे बिकी जाती है दबा के। इसकी भाई 2,31,006 रुपये ऑन रोड प्राइस है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो 2,31,006 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 20.2 BHP का, 27 Nm का टॉर्क, 33 MPL का माइलेज, 195 किलो कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 130-135 का आपको इसमें भी टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। क्लासिक देखो पिछले महीने बहुत ही कम बिकी थी, उससे पिछले महीने भी और कम बिकी थी, मेरे को लगा था भाई थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि क्या हो गया भाई इतनी तगड़ी गाड़ी है, लेकिन देखो इस महीने रंग दिखा दिया अपना। तो यही है वो गाड़ियाँ भाई जो 350 cc से लेके 450 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। आई होप आप सभी को मजा होगा। बाकी हाँ बजाज वालों के बारे में आपको क्या कहना है, NS400 के बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।